हेलो 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 गाइस, इंडिया के अंदर इतने सारे कॉल ड्रॉप हो रहे हैं, नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसा लग रहा है इन ऑपरेटर वाली कंपनियों को हमको बोलना चाहिए कि टावर वावर बंद कर दो, बस हमको इंटरनेट कनेक्शन दे दो, तो कैसे भी हम व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे या स्काइप कॉल कर पाएंगे। लेकिन घुमा फिरा के इंडिया के अंदर वीओ वाईफाई जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसको अदर यूट्यूबर्स जो हैं, दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं, उसको मसीहा बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि ना तो अब मुझे सिम की जरूरत है, ना मुझे फोन की जरूरत है, और ना ही मुझे नेटवर्क की जरूरत है। अब मैं सिर्फ वाईफाई यूज करके अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाऊंगा। लेकिन रुको रुको, क्या ऐसा सच में है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सेट टॉक। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो गाइस, मैं आपको समझाऊं कि वीओ वाईफाई क्या है, उसके पहले समझ लेते हैं वीओ एलटीई क्या है, क्योंकि वीओ एलटीई और वीओ वाईफाई बोल सकते हो भाई बहन है। अब मान लो मेरे पास एक फोन है और ये 2G वाला फोन है, इसमें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और मेरे पास एक टावर भी है, तो इसी टावर से इस फोन में सिग्नल आ रहा है। तो अब कोई भी मुझे कॉल करेगा तो इसी सिग्नल से उसकी आवाज़ आएगी और इसी सिग्नल से मेरी आवाज़ भी जाएगी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें स्मार्ट होती जा रही है, तो हमारे टावर भी स्मार्ट हो गए, हमारा फोन भी स्मार्टफोन हो गया। अब इसी सिग्नल से मुझे इंटरनेट कनेक्शन भी मिल गया, यानी कि मैं अब इंटरनेट भी चला सकता हूँ, पहले से फोन कॉल्स कर सकता था। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया VoLTE का, यानी कि यह है कि अभी जो मेरी आवाज़ जा रही थी फ्रीक्वेंसी से, वो अब अगर मेरे पास इसी फ्रीक्वेंसी से इंटरनेट भी आ गया है, तो मैं क्यों ना इंटरनेट को यूज़ करके मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक मुझे पहुँचाना है, मेरे ऑपरेटर के सर्वर तक। तो यहाँ पे VoLTE मतलब हो गया वॉइस ओवर LTE, और LTE हमारा इंटरनेट हो गया। तो इसी सिग्नल से जहाँ पे मेरी आवाज़ जाती आती, अब इसी सिग्नल के अंदर आप बोल सकते हो सब सिग्नल है इंटरनेट का, तो मेरी आवाज़ को यहाँ पे इनक्रिप्ट करके इंटरनेट के थ्रू, IP नेटवर्क के थ्रू मेरे ऑपरेटर तक पहुँचा दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर मेरा नेटवर्क ही डाउन है, नेटवर्क मुझे कम आ रहा है, तो भाई इंटरनेट भी धीरे चलेगा। इंटरनेट धीरे चलेगा तो VoLTE में मैं जो बातें करूँगा वो भी कट कट के पहुँचेंगी, वो भी सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट फैल गया, क्योंकि इंटरनेट जो था वो हमको वही ऑपरेटर दे रहा था जिसका हमको नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट बनाया वीओ वाईफाई। यहाँ पे मतलब यह है, अगर भाई इंटरनेट ही चाहिए तो उसी ऑपरेटर का इंटरनेट क्यों चाहिए? दुनिया में कहीं भी इंटरनेट मिल सकता है, तो यहाँ पे आपके वाईफाई से इंटरनेट भी मिल सकता है। तो अगर मैं अब वाईफाई से कनेक्ट हूँ तो मेरी आवाज़ अब वाईफाई के थ्रू जाएगी मेरे ऑपरेटर तक। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही थी, इसलिए यहाँ पे अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो पा रहा था, क्योंकि क्या होता है, वाईफाई है ये अनसिक्योर नेटवर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर इंटरनेट वही ऑपरेटर दे रहा है तो बीच में कोई नहीं है, लेकिन वाईफाई आपको फ्री में मिल सकता है, होटल्स में मिल सकता है, कैफे में मिल सकता है, तो जो आपकी आवाज़ जा रही है वो फिर बीच में कोई सुन सकता है, क्योंकि वो मैन इन द मिडल अटैक लग सकता है, क्योंकि ये आवाज़ डायरेक्ट नहीं जा रही है, बीच में टूट कूट के इंटरनेट वाईफाई राउटर से जा रही है। तो यहाँ पे ये लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं IP सेक की, और बहुत सारे इंक्रिप्शन करते हैं। तो एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में माने तो एक VPN कनेक्शन बनाते हैं, आपके फ़ोन से जो वाईफाई से आप कनेक्टेड हो और जहाँ ऑपरेटर का सर्वर है, उसके बीच में एक टनल बना, एक बोल सकते हो VPN का टनल बना। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी आएंगी, ये सब कुछ इंक्रिप्टेड रहेगा, तो ये कोई भी बीच में नहीं पड़ सकता। तो जब ये कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद आपके फ़ोन पे लिखा आएगा वीओ वाईफाई। अब अगर आपको किसी का कॉल आएगा तो देखो, कॉल तो अभी भी उस टावर से ही आएगा, क्योंकि सिम आपका जो नेटवर्क पकड़ रही है वो उसी टावर से पकड़ रही है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये हो जाएगी कि जब कॉल आएगा, आप उठाओगे, तो जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो जो आप चीज़ें बोल रहे हो वो अब उस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। आपका एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो जो आप चीज़ें बोल रहे हो और जो सामने वाला बोल रहा है, वो एक तरह से ऑडियो सिग्नल है। वो ऑडियो सिग्नल आपके वाईफाई राउटर से जिस भी स्पीड में चलता होगा, उस स्पीड में अपलोड हो जाएगा आपके एयरटेल, जियो, जहां से भी आपको ये वीओ वाईफाई की सुविधा मिल रही है वहां घुमा फिरा के। अब ये मत बोलना मुझे सिम नहीं चाहिए, नेटवर्क नहीं चाहिए, बस मुझे वाईफाई चाहिए, उससे कॉलिंग हो जाएगी। तो भैया यहाँ पे वाईफाई का यूज सिर्फ एक ही जगह हो रहा है कि जो आपकी आवाज़ जाती है अभी इंटरनेट, उसी इंटरनेट से जो इंटरनेट ऑपरेटर दे रहा है, उसकी जगह और किसी इंटरनेट से चली जाएगी। तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा तो आपकी सिम एक्टिव ही नहीं होगी, एक्टिव ही नहीं होगी तो वीओ वाईफाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वीओ वाईफाई की टनल बनाने के लिए आपकी सिम का एक्टिव होना जरूरी है, उसमें मिनिमम 10% सिग्नल आना ही चाहिए। तो आप जैसे बहुत इंडोर में रहते हैं जहाँ हल्का फुल्का सिग्नल आता है लेकिन बात नहीं हो पाती, वहां पे वीओ वाईफाई आपको हेल्प करेगा कि जो कॉल आएगा जाएगा, जो बातें करोगे वो वाईफाई के नेटवर्क से चला जाएगा। लेकिन अभी भी आपको मिनिमम 10% सिग्नल आपके सिम पे चाहिए। अगर आप
सिम निकाल दोगे, नेटवर्क नहीं है, तो ये वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा, क्योंकि जो फोन आएगा जाएगा, जो भी एक उसका लॉक बनेंगे, वो आपके टावर से ही आएंगे। लेकिन जब आप बातें स्टार्ट करोगे तब जाके ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तो जितने लोग आपको बता रहे हैं कि फ्री में कॉलिंग करो, ये करो, वो करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी आवाज जब सर्वर तक पहुंच जाएगी, उसके बाद जो आपके प्लान चल रहे हैं उसी प्लान से आपकी बातें होना है। ना तो ये फ्री है ना कुछ है, जो आपका बेस प्लान होगा, अगर IUC चार्ज लगता है तो लगेगा, आपका प्लान एक्टिव है तो लगेगा। तो घुमा फिरा के ये उस चीज के लिए है ही नहीं कि मैं वाईफाई यूज करके फ्री में कॉलिंग कर रहा हूं। ये एक सिंपल वाईफाई कॉलिंग जो है वो ये है कि आपका जो सिग्नल जा रहा था अभी टावर से, वो अब आपके वाईफाई राउटर से जाएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं यहां पे। अब अगर आप मुझसे पूछें कि भैया हां ठीक है सब समझ आ गया, इसको यूज कैसे करूं, तो यहां पे दो डिपेंडेंसी है जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है अगर आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करना है। तो सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है कौन से ऑपरेटर की आप सिम यूज कर रहे हो, क्योंकि जो भी ऑपरेटर की आप सिम यूज कर रहे हो उस ऑपरेटर के पास पहले तो ये फैसिलिटी होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर जियो ने लॉन्च कर दिया है और एयरटेल ने वियो वाईफाई वाली सुविधा, बोल सकते हो वाईफाई कॉलिंग लॉन्च कर दी है। तो अगर इन दोनों की आपके पास सिम है तो आप एक स्टेप आगे निकल चुके हो। यहां पे दूसरी डिपेंडेंसी है आपका फोन ही तो है जो इस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा। तो आपके फोन में भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होना चाहिए उस चीज को पकड़ने के लिए, वो प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो वाईफाई कॉलिंग अब जितने नए फोन आ रहे हैं उसमें तो आ रहा है। जैसे आप पहले चले जाओ तो VoLTE वाले फोन ढूंढते थे, VoLTE है नहीं है, है नहीं है, अब लोग ढूंढेंगे वियो वाईफाई है नहीं है। तो बहुत सारे फोन जो अब आ रहे हैं उन सब में वाईफाई कॉलिंग आ रही है। तो अगर आप आपके फोन की सेटिंग में जाओगे जहां पे टिक करते हो आप कि मुझे VoLTE स्टार्ट करना नहीं करना, उसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिम सेटिंग के अंदर कि वियो वाईफाई ऑन करना है नहीं करना है। अगर अभी आपके एग्जिस्टिंग फोन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये जो ट्रिक है ये कुछ कुछ फोन में ही काम करेंगी और इन फोन कंपनियों ने भी इसको टेस्ट नहीं करा है, इसलिए पीछे से इनेबल नहीं करा है, लेकिन आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है। तो ये ट्रिक यूज करके वो फीचर आप इनेबल तो कर सकते हो, लेकिन इनेबल करने के बाद हो सकता है आपका फोन हैंग हो जाए या हो सकता है बहुत बैटरी खाए, क्योंकि मैंने भी ये ट्रिक यूज करके जो फोन में इनेबल किया तो मेरी बैटरी बहुत जल्दी यूज हो रही थी। तो एक तरह से बोल सकते हो ये अनस्टेबल सारे फीचर्स थे जो कि फोन में तो है बट कंपनी ने ऑन नहीं करके दिए। तो हो सकता है आने वाले अपडेट्स में आपको पुराने ही फोन पे ये फीचर मिल जाए। OnePlus वाले अगर आप यूजर हैं और आपके फोन में फीचर नहीं है तो आपको एक नंबर डायल करना है *800#। ये डायल करेंगे तो यहां पे एक स्क्रीन आएगी, यहां पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा OnePlus लॉक किट, इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉलिंग करना है, वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा फंक्शन स्विच, यहां पे आप जाएंगे तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा वहां लिखा होगा वियो वाईफाई स्विच, इस पे टिक नहीं होगा तो इस पे टिक कर दीजिए, उसके बाद फोन को रिबूट कर दीजिए। फिर आप जब जाएंगे जहां पे ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर, जहां पे आता है इनेबल वियो LTE, उसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वियो वाईफाई को इनेबल करने के लिए। बाकी जितने नए फोन आ रहे हैं अब उन सब में फीचर बाय डिफॉल्ट आएगा और पुराने फोनों में अपडेट्स आएंगे तो अपडेट करते रहिए, हो सकता है आपकी कंपनी वो फीचर ऑन कर दे अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से वियो वाईफाई को यूज करके इंडोर में जहां नेटवर्क कम आता है वहां यूज कर सकते हैं, जहां नेटवर्क ही नहीं आता है सिम ही निकाल के रखिए, वहां पे फीचर काम नहीं करेगा। और ये फीचर फ्री नहीं है, जो भी आपका बेस प्लान होगा, जितना भी रेट आपका लगता होगा फोन में, वही रेट के हिसाब से आपका बेस प्लान चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है वियो वाईफाई से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सिर्फ टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिंदगी में क्या किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you.